है जहाँ पर आज तेज गिरावट है उसमें प्रॉपर्टी स्टॉक्स आप देखिए, और रियल एस्टेट में चाहे वो दिग्गज हों चाहे मिड कैप हों, प्रेस्टीज, शोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये तमाम शेयर आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और माइक्रोटेक डेवलपर्स वहाँ पर भी 5% के आसपास की गिरावट है। आज वायदा का टॉप लूजर इनफैक्ट डीएलएफ है 5% के आसपास की गिरावट के साथ। जरा देख के ध्वनि आप बताइए, डीएलएफ जरा चेक कीजिए, लगातार 5वां सत्र है जब ये गिरावट आ रही है, क्या ये गिरावट अपने सपोर्ट के अब आसपास शेयर पहुंच गया या फिर गिरावट अभी और बढ़ेगी इसमें? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे डीएलएफ का ऑलरेडी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 950 के पास स्टॉक का एक रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे रहा था। आज की जो गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है उसके अंदर वॉल्यूम का भी जो इंक्रीमेंट है वो काफी यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे सजेस्ट करता है कि फर्दर इसके अंदर शॉर्ट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिल रहा है तो 829 830 का लेवल है जहां तक हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से इसके अंदर डेफिनेटली जो सेल की पोजिशन है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे 830 का टारगेट लगा के स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे जिनकी ऑलरेडी शॉर्ट पोजिशन है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर ले। ऊपर की तरफ में यहाँ पे 887 के ऊपर अगर स्टॉक मूव करता है तो यहाँ पे कोई भी एक बुलिश साइड का मूव बनेगा, वरना इसके अंदर जो यहाँ पे एक सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होता हुआ रहेगा। में शॉर्ट की पोजीशन में बने रहने की सलाह है। राजेश जी, पूनावाला फिनकॉर्प में हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की तेजी है, आप जरा चेक कीजिए, बताइए पूनावाला फिनकॉर्प क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि एक करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला था। स्टॉक में जो करेक्शन देखने को मिले थे उसके हिसाब से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने अब 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को अब रिगेन करते हुए दिख रहा है। एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग फिर 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से एक सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड तो बनाया है। हमें लगता है यहाँ पे जो मूव बना है अब यहाँ पे मेजर 470 472 ये इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये पुल बैक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 490 495 की तरफ। तो हमें लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। पिछले 1 2 महीने में स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया है और अब हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है करीब 440 450 के जोन से सपोर्ट लेके जो स्टॉक ने मोमेंटम बनाया है वापस से बाइंग की तरफ, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट इसका वापस 500 515 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पूनावाला पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखे, स्टॉप लॉस रखे करीब 460 के आसपास। 160 रुपये का स्टॉप लॉस और 500 रुपये से ऊपर जाने की क्षमता रखता है पूनावाला फिनकॉर्प। इस वक्त दिन की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एसबीआई में एक कोशिश हुई थी ऊपर आने की लेकिन वो फिर कोशिश बिल्कुल रंग नहीं ला पाई और इस वक्त शेयर करीब 2% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। रुचित, एसबीआई आज लगातार दूसरे सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं और निफ्टी बैंक पर जो कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है उसमें एसबीआई का भी हाथ है, आप जरा चेक कीजिए एसबीआई क्या और फिसलेगा या फिर कॉन्ट्रा बाई की एक कोशिश करनी चाहिए? मुझे थोड़ा डिप पॉसिबल है 740 735 के रेंज तक। सो आइडियली ऐसा नहीं कि ब्रॉडर ट्रेंड चेंज हो गया, बट क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरबॉट थे रीसेंट रन अप के बाद में काफी सारे पीएसयू बैंक्स में। सो आई थिंक जस्ट एक करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड और जिसका सपोर्ट 740 735 के रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ओवरऑल स्टॉक एक बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और इनके 740 735 की रेंज मिलती है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेंगे ये स्टॉक में फिर से काउंटर बाइस लेने के लिए। ठीक है, एसबीआई को लेकर ये व्यू। डीएलएफ के अंदर आज गिरावट आई है 4% के आसपास की और शेयर में हैवी बिल्डअप के साथ गिरावट है। राजेश सर, एक बार जरा चेक करना डीएलएफ के अंदर इसको हम प्रॉफिट बुकिंग माने या फिर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, चार्ट में कोई डैमेज तो नहीं हुआ ज़्यादा? एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं देखने को मिला है। स्टॉक अब डीएलएफ की बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में देखे तो एक शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिखा, करीब 6% के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक वीकनेस रहते हुए दिख सकती है। स्टॉक अगर अब 875 880 के नीचे ही रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं वो करीब
855 850 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ी वीकनेस रहेगी, थोड़ा वेट करें। आई थिंक 855 850 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां एक बार रिव्यू करना चाहिए। हमारा संपर्क एकाएक टूट गया था, वो बातचीत कर रहे थे आईटी कंपनीज पे मोटा मोटी। जिस्ट विवेक सर, आपको आवाज़ आ रही होगी आई होप मेरी अच्छे से। अब आप कह रहे थे कि ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज पे आपको उतना भी ट्रस्ट नहीं है जैसे इन्फोसिस वगैरह से बड़ी कंपनीज। आप एक बता रहे थे कि कॉन्ट्रा आपको पेटीएम ठीक लग रहा है। ये दो पॉइंट तो सर मैंने नोट कर लिए थे, अपनी बात पूरी कीजिए सर। इसके अलावा और क्या बता रहे थे आप आईटी पे? सॉरी डीपी जी, जब बराबर शो पे कनेक्ट होना था तब यहाँ पे पावर वायर कुछ वायर काट दिया था सरकार ने नीचे, तो इसके कारण मुझे मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ा था, लेकिन अब सब नॉर्मल है। तो देखिए, यही कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल आईटी है वहां पे अभी भी दिक्कतें काफी है, और एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो एआई का क्या होगा आगे चल के, ये ज्यादातर आईटी कंपनीज अभी तक कंफ्यूज्ड है, और ये कोई एनालिस्ट नहीं बता सकता कि आगे चल के कैसे ये आपको आगे चल के मतलब कैसे ये टर्न आउट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं काफी कॉलेजेस में जाता हूँ और मतलब सेशंस उधर लेता हूँ, मुझे ऐसा विजिटिंग फैकल्टी बुलाते हैं, लेकिन इस साल ये हुआ है कि पिछले साल का भी ये किस्सा सेम किस्सा ही है। जो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आईटी कंपनीज आती है वो ऑलमोस्ट ठंडा पड़ा है। मतलब चेन्नई और बैंगलोर तो हब है, चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद, तो चेन्नई कंपनीज काफी आती है इंजीनियरिंग कंपनी कॉलेजेस में, लेकिन इस बार एकदम ठंडक उधर पड़ी हुई है, तो हायरिंग बहुत कम है, वो हमको नंबर से भी दिख रहा है। तो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में अवॉइड ही रहेगा फिलहाल, और मुझे लगता है कि रिकवरी आएगी भी तो इंटरेस्ट रेट कट हो उसके बाद साल एक भर बाद आएगी। हाँ, सारे वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते होंगे स्टॉक्स, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लग रहा है, लेकिन अपसाइड आपको स्लो एंड स्टेडीली ही जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो न्यू एज टेक कंपनीज है, अब आईटी और टेक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो टेक कंपनीज है वहां पे मैं बुलिश हूँ, और पेटीएम का नाम इसके लिए लेता है, ऐसे डिस्क्लोजर हमारे पास है पेटीएम। मुझे लगता है कि एक बार ये 15 तारीख चली जाए उसके बाद लोगों को लगेगा हाँ भाई पेटीएम बंद नहीं हुआ है। अभी एक तो एक हवा चली हुई कि पेटीएम ही बंद होने वाला है, तो 15 तारीख के बाद जब क्यूआर फिर भी चलते रहेंगे तब वापस एक कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो गिरावट देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में, ये ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स में जो ब्लड बाथ हो रहा है वो उसका भी इफेक्ट काफी हद तक स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो न्यू एज टेक कंपनीज, जोमेटो पे भी मैं बहुत बुलिश हूँ अभी, तो ये सारी कंपनीज को आपको देखना चाहिए अगर टेक्नोलॉजी में भाग लेना है। जोमेटो पेटीएम आप काफ़ी बुलिश हैं, आप बड़ी कंपनीज में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। आप बुलिश हो पेटीएम पे और उनको ऐसा लगता है कि पेटीएम अभी और भी चल सकता है। अच्छा ठीक है, इस बीच खैर मैं आपको एक शेयर नोटिस कराना चाहता हूँ, मैं सुबह से वो नोटिस करवा रहा हूँ, है गोडफ्रे फिलिप्स। इस शेयर के अंदर आज बहुत ज़ोर का नुकसान फिर से हुआ है, आज करीब 9% थी। हालांकि जब मैंने कल इसके चार्ट देखे मेरे को ऐसा कोई ख़राब नहीं लगा। मैंने आज सुबह वैशाली से पता भी किया कि गोडफ्रे फिलिप्स हमको लेना चाहिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं लेना चाहिए, शेयर थोड़ा चला हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आप देखो शेयर 9% नीचे है, 350 रुपये आज आपके बच गए होंगे अगर आपने शेयर नहीं लिया तो, 10% ऑफ द टोटल कैपिटल या इस शेयर में जो आपने पैसा लगाया होता, नहीं तो 10 ही% में आज साफ हो गया था। एक काम करते हैं, धोनी पटेल से चेक करवा लेते हैं इस शेयर में क्यों गिरावट, क्या कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये महज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो कहाँ पे रुकेगा, शेयर में दम कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है। धोनी सारी चीज़ें जरा चेक कर लो, गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट से जुड़ी हुई कंपनी है। जी बिल्कुल डिम्पी, कल की सेशन में इसके अंदर काफी अच्छा अप मूव देखने को मिला था। इनफैक्ट जहाँ पे 3000 का लेवल इसने 3050 का लेवल ब्रेक करा था, उसके बाद इसके अंदर एक इंट्राडे चार्ट पे भी अगर देखे और डेली चार्ट पे भी तो एक बहुत ही तेज का रन अप देखने को मिला था। प्रॉफिट बुकिंग इन तरह के स्टॉक्स में लाजमी है कि होती है यहाँ पर, और नीचे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही इसके अंदर डेफिनेटली अपनानी चाहिए। ओवरऑल जो इसके अंदर वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जहां पे भी हम बाइंग कैंडल्स देख रहे हैं हर एक बाइंग कैंडल्स के अंदर इसके अंदर एक वॉल्यूम जो है वो पार्टिसिपेशन यहाँ पे कंफर्म करता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का अभी भी इंटैक्ट ही है, कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसका जो बाइंग लेवल नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा, तो जब भी स्टॉक यहाँ पे 3050 से 3100 तक का एक डिप लेता है तो डेफिनेटली इसके अंदर वापस से बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ लगाना रहेगा तो आप इसके अंदर नीचे की तरफ 2955 या 50 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए।